दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक इलेक्ट्रॉनिक जेंट है साउथ कोरिया का, वो इंडिया में ऑलरेडी उसकी अच्छी खासी मार्केट शेयर है, वो भी आईपीओ में, और उसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, राइट। वो करीब जो आईपीओ के थ्रू 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स का वो करना चाहता है, शेयर सेल करना चाहता है, और उससे उसकी एलजी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यूएशन हो जाएगी 13 बिलियन हो जाएगी, राइट। और ही जल्द वो अपना प्रोस्पेक्ट सेबी, प्रोस्पेक्टस जो है सेबी में फाइल करने वाला है। एलजी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी ब्रॉडर स्ट्रैटेजी ये है कि वो इंडिया में उसका मार्केट शेयर और बढ़े, और करीब वो दो 75 बिलियन डॉलर्स 2030 तक पहुंचना चाहता है। ब्रॉडर्स ने यहां तक कह दिया कि ये जो पोटेंशियल आईपीओ है, इसकी वजह से एलजी की स्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, एलजी का इंडियन बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा, और एलजी जो है जो ग्रोइंग कंज्यूमर बेस है इंडिया में, उसका एडवांटेज ले पाएगा। तो ये जो एलजी है, इसने ऑलरेडी काफी मेजर बैंक्स को अप्रोच कर लिया है जो इसके पब्लिक ऑफरिंग पे काम करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका है, जेपी मॉर्गन चेस है, सिटी ग्रुप है, मॉर्गन स्टैनले है, इन सारे बैंक्स को ऑलरेडी उसने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और जल्दी ही वो शायद एक दो इंडियन बैंक्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एलजी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखती है, और काफी ज्यादा फॉरेन कंपनीज को ऐसी इंडिया में अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे आपको पता होगा कि हुंडई भी आईपीओ में आने वाला है, और अगर वो इन सबको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में दिखती है, और इंडिया का कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आपको और मेरे को भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में कतई देर नहीं करनी चाहिए। क्या आपने आईपीओ, किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है या ट्राई किया है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।